हेलो दोस्तों, सारंगखेड़ा हॉर्स मार्केट 2021 में आपका स्वागत है। मैं विशाल अहिर राव, इंडियन कॉर्न हॉर्स लवर्स चैनल ऑनर, आपको इस सारे श्रृंखला में यानी सारंगखेड़ा मेले के सारे वीडियो में आपको अपडेट्स देने वाला हूँ आने वाले सभी दिनों के। बहुत सारे दिन तो नहीं रुक सकते अन्य यूट्यूबर्स के जैसे, लेकिन ज़रूर आपको सारी अपडेट्स देने की ज़रूर कोशिश रहेंगी। अच्छे अच्छे घोड़े बताएंगे शो के हॉर्सेस है और अन्य जो भी है सभी, तो एक एक करके ज़रूर सारे बताएंगे। अभी देख सकते हो बड़े घोड़े की रेंज जिसमें अबलक वगैरह है, व्यापारी वगैरह आए हैं शायद, यहाँ पे पंचकल्याण है, संजाब है यहाँ पे बढ़िया, जिसकी अभी चल रही है खरारा चल रहा है, उसकी ग्रूमिंग चल रही है और काफ़ी उम्दे जानवर इस बार मंडी में आए। और अबलक और संजाब और नुकरे यहाँ पे काफ़ी क्वांटिटी में दिख रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ के लोग जो महाराष्ट्र ने उनको शौक के हिसाब से वो लेते हैं ब्लैक कलर में, या शादी ब्याह के हिसाब से नुकरा संजाब ज़्यादा चलते हैं यहाँ पे। शायद सामने की जो रेंज दिख रही है मुझे, ये सारी घोड़ियाँ है यानी इसके पीछे वाली, तो इनसे जानते हैं क्या है। कहाँ से भैया व्यापारी? यूपी के आप? क्या बात है, बढ़िया। कब आए थे यहाँ पे मंडी में? अब आए 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए, चलो कुछ हो गया, सेल बिल हो गए? अभी नहीं हुआ, अभी 18 तारीख से चालूंगे, लेकिन लोग आना चालू हो जाएंगे। आज हमारी वीडियो चले जाएंगी तो लोग कल से चालू हो गए। शायद वो पीछे अभी हमारे जो महाराष्ट्र के येवला मंडी में आते उनके अभी 4-5 बच्चे अभी सेल हो गए। बहुत बढ़िया। आप ऑनर हो या केयर टेकर हो? उधर ऑनर कौन है आके? वो भैया है क्या? चलो ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया। तो शायद वो भैया भी अभी बैठे हुए, देखते हैं उनसे बात करते हैं। ये सारे घोड़े है क्या? घोड़िया है ये? ये घोड़ी है? अच्छा अच्छा, ये भी घोड़ी है? तो ये भी घोड़ी है, बढ़िया दिख रही है लेंथ वगैरह, तो हाइट भी अच्छी है। ये भी ये तो मैं जो लगा रहा था कि स्टेलिन है, लेकिन ये तो घोड़ी है और काफ़ी उम्दा है, बढ़िया हाइट बॉडी है, लेंथ भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी। संजाब में आएंगी और ये मेरा फेवरेट कलर बोल सकता हूँ, बहुत ही सुंदर है, घसाई वगैरह चल रही है इसकी। और ग्राहक अभी आना स्टार्ट ही हुआ है, लेकिन आज अगर हमारी वीडियो चली जाएंगी तो ज़रूर इन सभी को अपडेट्स चली जाएंगी, तो लोग आना चालू हो जाएंगे। वैसे तो ऑफिशियली जो रहेंगे वो 18 तारीख से ही है, वो देखते हैं अभी। बहुत ही बढ़िया उम्दा जानवर इस बार आया, और मुझे खासकर लग रहा है कि अबलक का काफ़ी स्टॉक इस मंडी में आया हुआ है। अभी व्यापारी भी उनके काम में व्यस्त थे, तो अगर जिसकी जो पॉसिबल हो सके उनके हम ज़रूर कीमतें अपने को आप बताने की कोशिश करेंगे। शायद ये पूरी रेंज जो है वो घोड़ियों की है, सारी घोड़ियाँ है यहाँ पे, नुकरी है और बढ़िया। यूपी वाले हो क्या अंकल जी? बिल्कुल बिल्कुल। कितने घोड़े वगैरह लाए इस बार आपने? 20-22 घोड़ी और घोड़ी। अच्छा, कब पधारे थे आप? आज सुबह आए और कल आए। अच्छा अच्छा, दो गाड़ियाँ आएंगी? अच्छा, 20 घोड़े हैं सब। नहीं नहीं, गाड़ियाँ दो में आएंगे ना? एक ही गाड़ी में आ गए? उसी गाड़ी में 4 पड़ गए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया, बता देता हूँ मैं सब। तो ये सारी इधर की सब घोड़ियाँ दिख रही है ना अंकल? घोड़ियाँ ही सारी, संजाब नुकरी, उसके बाद में ये भी संजाब है, ये अलग यूनिक कलर में दिख रहा है, मस्त है, बढ़िया है, संजा भी है सारी, अबलक में भी है। ये टोटल घोड़ियों की रेंज है इधर, शायद इधर भी ये भी सारी घोड़ियाँ, एक दो घोड़ियाँ यहाँ पर भी दिख रही है। और कली गाड़ियाँ आई है कुछ, तो वैसे हम देखते कीमतें वगैरह, अगर हमें कुछ पता चलेगी तो ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल में अभी जो है व्यापारी भी थक गए होंगे, घोड़े भी अभी खाना वगैरह खा रहे, काम भी चालू उनका। अच्छे उम्दा जानवर इस बार मंडी में आए, ये देखो सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया संजाब घोड़ा है, लेंथ वगैरह और अच्छे कद काठी का है। ये भी नुकरा है, ये भी नुकरा लग रहा है। बहुत ही सुंदर है।
सारंगखेड़ा का विशेष एक ही रहता है कि यहाँ पे जो जानवर आते हैं मोस्टली शादी ब्याह के लेने वाले जो रहते लोग वो आते हैं। देखो ये कितना खूबसूरत घोड़ा है, बहुत ही सुंदर। इसके आँखों में नेचुरल काजल हम बोल सकते हैं और संजाब कलर में। कान कनौती भी बहुत ही सुंदर इसकी, आप देख सकते हो। सुंदर घोड़ा है काफ़ी। अच्छी रेंज आई हुई है। व्यापारी उनके उनके काम में व्यस्त। ये भी है चंबे में आएगा। ये आएगा दो पैर आगे की सफ़ेद। ये है नुकरा। सारे नुकरी की रेंज है यहाँ पे। आपको एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा घोड़े कवर करके मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे भी बढ़िया घोड़े आप देख सकते हो। नुकरे है, कुमेद वगैरह भी है। और भाई कैसे हो? यूपी मोस्टली इस मंडी में आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यूपी के व्यापारी, और फिर आते हैं गुजरात, और फिर आते हैं राजस्थान। राजस्थान के तो थोड़े कम ही रहते हैं, लेकिन यूपी के ज़्यादा आते हैं। अभी सभी इनकी जो खाने पीने की व्यवस्था भी आप देख सकते हो कि इनकी व्यवस्था अभी खुद की, बाकी घोड़ों की तो उन्होंने कर ली पहले आती, अभी खुद की व्यवस्था भी उन करेंगे। और अच्छा आयोजन इस बार आयोजनकर्ता ने यहाँ पे किया हुआ है, बढ़िया है एकदम। बाकी आप देख सकते हो, और ये एक पट्टा हुआ, उसके बाद में ये नीचे जाने के बाद में और कुछ घोड़े भी है यहाँ पे, और कुछ ग्राहक भी अभी आना चालू हो गए हैं, जिनको पता चल जाता है कि जल्दी घोड़े आए हुए हैं। और दो दिन में तो काफ़ी अच्छे से मार्केट फुल हो जाएगा, और 18 तारीख से खरीदी बिक्री की शुरुआत ऑफिशियली हो जाएंगी। वैसे तो आज भी कुछ लोगों ने, इंटरनल जो व्यापारी लोग रहते हैं, वो अपना लेन देन चालू कर दिया है, यानी एक दावन से दूसरे दावन की ओर। छोटे व्यापारी बड़े को लेते हैं, और बड़े व्यापारी भी कुछ आए हुए माल जो अच्छा रहे तो वो ले लेते हैं, ताकि आने वाले वक्त में वो उसे सेल कर सके। तो ये शायद बच्चे है, ये है लाल, बढ़िया है, अच्छा है। कान कनौती भी अच्छी है, ये भी बच्चा ही लग रहा है, हो सकता है एक साल का हो। दोस्तों अपने चैनल पे आपको मंडी की सारी अपडेट्स आती रहेंगी। पूरे वक्त तो मैं यहाँ पे नहीं रह सकता हूँ, अभी मैं आज तारीख के 14 तारीख को आने का यही था कि आपको सारी अपडेट्स दे दूँ कि यहाँ का सिचुएशन क्या है, मार्केट क्या चल रहा है, कितने घोड़े आए हुए हैं आज के इसमें, तो ये बताना ज़रूरी था। अभी आपको और कुछ नया कलेक्शन बताता हूँ मैं। यहाँ पे है नुकरा, अबलक ब्लैक, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा कलेक्शन है इनके पास में भी। और ये है सारे बड़े घोड़े यहाँ पे, जो ये भी व्यापारी यूपी के लग रहे हैं मुझे। यहाँ पे भी नुकरे है, और ये है देख सकते हैं ब्लैक काला टिका, जिसके दोनों पिछले पैर सफ़ेद है, और ये तीनों काले हैं शायद। बढ़िया और अच्छे घोड़े दिख रहे हैं यहाँ पे, शायद तीनों के तीनों स्टेलिन ही है चारों। ये भी है के, और ये नुकरे, बहुत ही बढ़िया। भैया ये तीनों दावन आपने क्या? तीनों वाली, एक दो तीन, चलो ठीक है। बच्चे भी है क्या पीछे? पीछे बच्चे शायद है ना, चलो ठीक है। अभी किसके है क्या, कोई समय है क्या? थोड़ा था, थोड़ा बता देते थे, थोड़ी कीमतें वगैरह लगभग आ जाओ ना, कोई भी आ जाओ। यानी आपने आज वीडियो चली जाएंगी तो आपका व्यापारी का समझ में आ जाएगा, आज वीडियो निकल जाएंगी ऐसा। भैया नमस्ते, कहाँ से हो भैया आप? यूपी से। यूपी से, चलो कितने नग आए लेके आए इस बार? अभी 25 जानवर है।
तो सारंगखेड़ा में इससे पहले भी आए क्या? फर्स्ट बार पहले भी आए, हो गई हमको 8-10 साल। अरे बाप क्या बात है। चलो आप खुद कितने सालों से कर रहे हो? हमको हो गई 11 साल। 11 साल से, ठीक है ठीक है ठीक है। तो टोटल आप 25 नग लाए, उसमें क्या घोड़े घोड़ी बच्चिया सब है क्या? हाँ सब मिल। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। तो लगभग क्या है अभी सबकी प्राइस पूछना अपना इम्पॉसिबल है, और सभी के प्राइस बाल भौरी पूछना ये भी नहीं होगा क्योंकि एक घंटा लग जाएगा 25 घोड़े को। हाँ। तो एक लगभग अपने पास में कहाँ से स्टार्ट होता है और क्या तक है, इतना भी बताए तो भी चलेगा। क्या है? 1,05,000 रुपये। अच्छा अबलक में आएगा? हाँ, ये अबलक में है। ठीक है ठीक है। बच्चा भी अदंत अदंत में? हाँ, 12 महीने का। 12 महीने का बहुत बढ़िया बच्चा है। खुला अबलक आएगा? हाँ। है बढ़िया। ठीक है ठीक है। हमारे पास बड़े भी जानवर है। हाँ देखा मैंने, ऑस्ट्रेलियन है शायद। हाँ ऑस्ट्रेलियन 8 लाख। अच्छा हाँ 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 ऐसे भी। ठीक है। मादा भी आपके पास में? हाँ मादी भी है। अच्छा वो साइड में भी है ना, वो साइड मादी क्या सारी? चलो मैं वो कैमरे में बता दूंगा। अपना क्या नाम रहेगा? मुदस्सिर। मुदस्सिर आप यूपी के? हाँ यूपी। चलो अपना नंबर भी बोल दो। हाँ हमारा नंबर है 72। हाँ। 520-80-255। ओके चलो मैं बता देता हूँ। हाँ। यानी जो भी रहेगा तो आपसे कांटेक्ट जरूर करेंगे। हाँ। वैसा तो मैं सभी को यही बोलना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से कि आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे जो कलेक्शन दिखने वाला है वो बढ़िया रहेगा, और यहाँ पे दो चीजें ज्यादा देखने मिली। इसके मांग रहे 8 लाख रुपए। अच्छा ये क्या लाइन वगैरह का? लाइन का वगैरह कान मीन बगो। हाँ बहुत सुंदर है एकदम। हाँ, बढ़िया बच्चा है। क्या उम्र आएंगे इसकी लगभग? इसकी अभी उम्र है 4.5 साल। बाप रे बाप, बहुत ही हेल्दी भी अच्छा है। हाँ। बना भी अच्छा बना है। ठीक है ठीक है। और वो वाला बाजू वाला वो बच्चा अभी बच्चा है? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मांग रहे हैं 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए। अच्छा और ये वाले दोनों को बता दो सिर्फ। इसके मांग रहे हैं 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए। बादल है? बादल। हाँ। अच्छा अच्छा ये क्या इसकी क्या नस्ल वगैरह, मतलब ये कौन से घोड़े का है कुछ बता सकते हो क्या? हाँ, या अननोन लाइन का है? लाइन का है। लाइन का? लाइन का है। अच्छा अच्छा। हाँ। लेकिन आपको पता नहीं होगा कौन से लाइन का है। ठीक है। कान भी बगो। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। एक रंग काला है, पिछले दो पैर सफेद है ना, और बारीक हल्का सा तिलक है इसको। और ये वाला इसके खूर थोड़े बना लो भैया जी, थोड़ा सही शेप कर लो इसको, क्योंकि कैसे काम कराएंगे। हाँ अभी तो अभी कब आए थे आप? अभी कब आए आप यहाँ पे? अभी हो गए हमको 3-4 दिन। अभी 3 यानी जल्दी आ गए थे आप? हाँ जल्दी आ गए। 10-1 तारीख को आ गए होंगे शायद आप? अच्छा 10 तारीख को हम आ गए थे यहाँ। 3-4 गाड़ियों में माल आया होगा सारा? हमारा गाड़ी 2 गाड़ियों में माल आ गया। तो इससे पहले कोई मंडी में गए थे आप? हम थे अकलूज में। अकलूज में। चलो बढ़िया। ये इसकी क्या कीमत है? इसकी कीमत है 6.5 लाख रुपये। 6.5 लाख रुपये। अभी तो ग्राहक आए नहीं होंगे। हाँ, अभी परसों कल परसों से हमारी वीडियो जाएंगी तो जल्दी ग्राहक आना चालू हो जाएंगे, और आपके घोड़े भी जल्दी से। हाँ बिल्कुल मारवाड़े। हाइट कितनी आएंगी इसकी? इसकी हाइट है 64। 64 लेंथ वगैरह बहुत ही बढ़िया है इस घोड़े की, बहुत बढ़िया है आप देख सकते हो दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। आप पीछे आ जाओ अभी ये साइड में। ये भी है इनका कलेक्शन, काफ़ी अच्छा कलेक्शन लाया है इस भैया ने, और अकलूज से यहाँ पे आए हुए अभी। ये सारे मादा है क्या? हाँ ये सब मादी। टोटल? हाँ टोटल मादा। चलो बढ़िया। ये अबलक में है ना, इसकी क्या कीमत वगैरह लगाई आपने? इसके मांग रहे हैं हम 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख। बाल भौरी की साफ है? बाल भौरी की साफ है, देवन भी है। अच्छा उम्र क्या आएंगी इसकी? उम्र? इसकी उम्र है अभी 3 साल। 3 साल। चलो ठीक है। राइडिंग चालू हो गई क्या इसकी? राइडिंग चालू है इसको। अच्छा और ये वाली, ये सिंधी में आएंगे क्या थोड़ी मिक्स में या मारवाड़ में? ये भी मारवाड़ में। अच्छा अच्छा कान का भी सुंदर है इसके है ना? हाँ। कान बढ़िया है एकदम, लंबे लंबे कान है। अच्छा और इसकी मार्किंग पूरी ब्लैक है क्या ये? हाँ, सिर्फ हल्की बस तिलक के बाकी पूरी ब्लैक है? तिलक पूरी ब्लैक। अच्छा क्या कीमत है इसकी? इसके भी 2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। बोलता है इसकी उम्र कहेंगी? इसकी उम्र है अभी 3.5 साल। 3.5। इसकी भी यानी चाल चालू हो गए होंगे? ठीक है चाल चालू। ये भी चाल है इसके, ये तो खाली हल्का 4 बार है। अच्छा अच्छा ये थोड़ी सी शरीर से कमजोर लेकिन घोड़ी अच्छी है, पर घोड़ी पूरी बिल्कुल बिल्कुल। इसकी भी चाल वगैरह चालू है ना? बाल भौरी की तो देवमन दिख रहा है इसका, देवमन है, कंटा है, बाल भौरी सब क्लियर है। अच्छा अच्छा चलो। महाराष्ट्र के लोगों के पास में ज्यादा क्या आपको मालूम होगा, 8 साल का अनुभव होगा, ज्यादा क्या घोड़े लेते हैं घोड़िया? सभी लेते हैं जिसकी चॉइस होंगे, लेकिन अभी लोग ब्रीडिंग के इसमें ज्यादा चल रहे हैं तो घोड़िया भी मांगते हैं अभी, अभी जा रही है ना। ये पीली में आएंगी? ये पीली अबलक। और ये गंगा पाड़ भी शायद? नहीं नहीं, ये धार लगी हुई ना? नहीं नहीं वो ऐसा लग रहा है। ऐसा है क्या? मुझे लगा गंगा पाट है क्या? नहीं नहीं भौरी की क्लियर है, बच्ची है अभी। अच्छा अच्छा 24 महीने। 24 महीने के यानी अभी अदंत में ही? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी हाइट कर गई बच्ची, लेकिन इसके मांग रहे 3 लाख रुपए। अच्छा अच्छा अभी अभी तो इसकी सवारी तो चालू नहीं की होंगी? सवारी चालू कर दी, चालू कर दी। हाँ, बहुत जल्दी चालू कर दी। चलो ठीक है कोई वांदा नहीं। ये भी बच्ची है? हाँ हाँ हाँ।
ये में चंबे में आएंगे ना थोड़ी? हाँ, चंबे में लाल चंबी। हाँ, लाल चंबी। लेकिन इसमें कलर लाल ज्यादा आएगा। हाँ। क्या कीमत है उसकी? इसके मांग रहे हैं अभी 3.5 लाख। 3.5 लाख रुपये। चलो ठीक है। ये एक बच्ची है हमारे पास। हाँ, बढ़िया बच्ची है, इसके 3.5 लाख रुपये मांग रहे हैं। अरे वाह वाह, सुंदर है। अभी बच्ची 7.5 महीने की बच्ची है। 7.5 महीने की? 7.5 महीने की, पूरी मारवाड़ पेपर वेपर सब 7 माह इसके। अच्छा, डॉक्यूमेंट के साथ में आए? डॉक्यूमेंट के साथ। कौन से घोड़े की है ये? अपनी मजू का लाइन की। मजू के लाइन की? हाँ। पंजाब की? हाँ। अच्छा अच्छा, तो आपने परचेज पंजाब से की? हाँ, पंजाब से खरीदी हमने। अच्छा, इसके डॉक्यूमेंट्स भी आपके? हाँ, पास? चलो बढ़िया है। 7.5 महीने की बच्ची, यानी किसी को दिखाने के लिए अच्छा रहेगा आपको? हाँ, इसके बिल्कुल। 3.5 लाख रुपए। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया है। और क्वालिटी भी अच्छी इसके? सूम बीन बढ़िया एकदम। चलो ठीक है, बढ़िया। ये आबलक भी बच्ची क्या? आबलक भी बच्ची है। चलो, इसकी क्या प्राइस वगैरह है आबलक की? क्या ये भी लाइन वगैरह है कि कुछ? क्या है, अननोन है? अननोन नहीं है। अच्छा अच्छा। इसकी उम्र क्या आएंगी? बच्ची है अभी। हाँ, तो समझ लो 8-10 महीने की। हाँ हाँ, है ना, 8-10 महीने की बच्ची। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी तो उसने ये छगड़ी भी पूरी निकाली नहीं है। चौकड़ी है? चौकड़ी में अभी। हाँ, चौकड़ी में। बराबर, ये भी पंच कल्याण में आएंगी ना? चलो बहुत बढ़िया। तो अपना क्या नाम बताया था? मुदस्सिर। मुदस्सिर भैया, आपका नंबर एक बार बोल दो जरा। 72-520। हाँ, 80-255। चलो ठीक है, मुदस्सिर भैया से कांटेक्ट करो। काफ़ी अच्छा और बढ़िया सटीक कलेक्शन उन्होंने लाया इस बार। और 8 साल से येवला मंडी में, सॉरी सारंगखेड़ा में भी आ रहे हैं। सेकंड वीडियो उनकी बनाई है अपन ने। पहली मंडी अपन, पहली वीडियो जो थी जावेद भाई की बनाई थी, सेकंड वीडियो जो मुदस्सिर भाई की बनाई। बहुत बढ़िया कलेक्शन है, आप देख सकते हो। जिनको घोड़ियाँ चाहिए होंगी तो घोड़ियाँ कम से कम मेरे हिसाब से 8-10 घोड़ियाँ इनके पास में अभी अवेलेबल में, और काफ़ी अच्छे अच्छे है। और ये जो बच्ची उन्होंने बोली थी ब्लैक कलर जिसमें टीका है, ये मज्जू के लाइन के बता रहे हैं, और साथ में उनके डॉक्यूमेंट्स भी है, तो यानी उनके पास में क्लेरिफिकेशन काफ़ी अच्छा रहेगा आपको। तो ये किसी शौकीन आदमी ले सकते हैं। बाकी तो सभी क्वालिटी अच्छी है, सारे ज़्यादा से ज़्यादा मारवाड़ में है। सिंधी वगैरह मिक्स वगैरह कोई ब्रीड नहीं, स्टेलियन भी चारों जो ब्लैक अच्छे उमदा नस्ल में। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।